Eclipse. Nein, Eclipse. Never me Eclipse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है Bitventures। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ किसकी थी और शायद इस आवाज़ से आपको डर भी लगा होगा, लेकिन इस आवाज़ से भी ज़्यादा डरावनी आज की कहानी होगी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची भयानक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस सच्ची कहानी को। ये कहानी है एनेलीस मिचेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मनी के एक अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनेलीस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनेलीस की माँ उस पर अधिक दबाव डालने लगी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। एनेलीस को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार थी। जब वह 16 साल की थी तो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनेलीस कुछ मिनटों के लिए टेरिस स्टेज पर चली गई थी। दरअसल एनेलीस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। जिस दिन वह बेहोश हुई, उस रात वह अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी। एनेलीस ने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला लिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के एक साल बाद एक ऐसी घटना हुई, एनेलीस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था, एनेलीस के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। यह शायद पहला मौका था जब एनेलीस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनेलीस का दावा था उसे रंग दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और वह बेहद खुश महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालत दुरुस्त ना होने के बाद भी एनेलीस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ाए, क्योंकि वह एक टीचर बनना चाहती थी। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनेलीस को प्रार्थना के दौरान हेल्यूसिनेशन होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनेलीस बेहद बेबस हालतों में थी। डॉक्टर उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार के उसे पादरियों के पास ले जाया गया। हालांकि उसकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी। कहा जाता है कि एनेलीस के हालत इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वह फ्लोर से उठकर अपने ही मूत्र को पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनेलीस धार्मिक चीज़ें मसलन क्रॉस से भी दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के दो पादरियों पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनेलीस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयां लेनी बंद कर दी थीं। अगले 10 महीनों में एनेलीस पर भूत भगाने के कुल 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम एक घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनेलीस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएँ मौजूद थीं और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थीं। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनेलीस ने खाना छोड़ दिया था और वह बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चैन से बांध दिया जाता था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ी जा रही थी और 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। उनकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थीं और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। पादरियों के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। पादरियों के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट और दो पादरियों को हत्या के जुर्म में जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना पे एक मूवी भी बन चुकी है। 2005 में हॉलीवुड की इस हॉरर मूवी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम द एक्सोसिज्म ऑफ इमली रोज के नाम पे है।
दोस्तों, अगर आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।